आपको छक्के लगाएगा, आपने सिर्फ बल्ला पकड़ना है। टूर्नामेंट्स में टोटली बैन है ये, प्लास्टिक है, अंदर से खाली है ये। सबसे टॉप क्लास के जो फाइबर के बैट बनते हैं वो मेटाडोर में ही बनते हैं। जो बॉल लगती है बहुत दूर जाती है, बॉल जो एडिक्टेड है वो इसी से खेलेगा, दूसरे बैट को नहीं देखता। 5 वैरायटीज हैं इस टाइम। सबसे पहले बच्चों में आ जाओ, बच्चों के लिए पड़ेगा ये फाइनल प्राइस करके न Q4 का बॉटम ऐसा है ना, उससे 880 ग्राम तक आएगा। टूर्नामेंट में तो खेलने आपको देंगे नहीं फाइबर से, आप वो भी ले जाओ। अदील भाई बिल्कुल अल्टर चल रहा है अभी, अदील भाई तीसरे में गुम, छोटे में गुम, पोए हुए हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल माय सिल्क कलर। आज की इस वीडियो में आपके लिए नई वैरायटी लेकर आए, काफी कमेंट्स आ रहे थे इसके ऊपर के मेटाडोर के फाइबर के बेस लेकर आए, तो आज फाइबर की वैरायटी फाइनली आ चुकी है हमारे अदील भाई के पास। इस वक्त मौजूद हूं हनीफ स्पोर्ट्स पे, जो कि एमेजिना रोड पे लोकेटेड है, लाइट हाउस पे। आप बता रहे थे वैरायटी कौन कौन सी आई है मेटाडोर मेटाडोर। हाँ, मैं कमेंट्स देख रहा था तो मेटाडोर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, और अब बीच में यानी कि तो टूर्नामेंट्स में टोटली बैन है ये। मैं आपको सबसे पहले जी फाइबर बैट है, मेटाडोर ब्रांड है, और सबसे टॉप क्लास के जो फाइबर के बैट बनते हैं वो मेटाडोर में ही बनते हैं, और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है मेटाडोर का ब्रांड। टूर्नामेंट्स में या अच्छे लेवल पे जो प्रॉपर गेम लेवल है वहाँ पे बैन है ये। हाँ, अगर आपने यानी शौकिया खेलना है या दोस्तों में आप जाके खेल रहे हैं तो ये फाइबर बैट चलेगा। वो क्यों? उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। फाइबर बैट बेसिकली होता है, इसमें पंच बहुत ज्यादा होता है, जब बॉल लगती है तो बहुत दूर जाती है बॉल इसकी। ये जैसे इंग्लिश विलो काम करता है, इंग्लिश विलो और पाकिस्तान विलो में जो फर्क होता है पाक विलो में, वो बॉल के पंच का फर्क होता है। इंग्लिश विलो बॉल को पंच करके बाहर फेंक, इसमें भी यही है। मगर अब ये अगर टेप बॉल में आ गया तो टेप बॉल तो वैसे ही टेनिस बैट से ही बहुत दूर जाती है, ये आगे तो बॉल हाथ में ही नहीं आएगी। बस ये है ये, यानी कि जो फाइबर बैट को जानते हैं उससे खेलना जानते हैं, और ये उनके लिए है। अब इसमें कोई वेट वगैरह नहीं होता, वेट इसमें बिल्कुल वेट का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें टोटली ये प्लास्टिक फाइबर का बना हुआ है, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर, हाँ पूरी प्लास्टिक फाइबर है इसमें। यह है यहाँ तक जो है ये, यहाँ तक नीचे का बॉटम का एरिया जो कवर है ये प्लास्टिक होता है, जहाँ ये थोड़ा सा खेला जाता है खुल जाता है यहाँ से। बट जो इसका जैसे चर सिरोइन का नशा लग जाए तो छूटता नहीं है। हाँ, जो एडिक्टेड है वो इसी से खेलेगा, वो दूसरे बैट को नहीं देखता। अच्छा, अब आ जाते हैं मेटाडोर में वैरायटीज में। इसमें मेरे पास 5 वैरायटीज हैं इस टाइम। सबसे पहले बच्चों में आ जाओ, बड़ों में बाद में बात करेंगे, जो बच्चों ने तंग किया होता है ना हमें। अच्छी वैरायटी लाओ, हल्की वैरायटी तो बहुत देखी हमने, अच्छी नहीं देखी, आज अच्छी वैरायटी दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये फाइबर नहीं है सबसे पहली बात, तो मेटाडोर तो है, मेटाडोर तो है, मेटाडोर ब्रांड है, कंपनी से है, ब्रांड है, और ये सिर्फ बच्चों में ये जो है ये आपको मिलेगा प्ला लकड़ी में। छोटे 10 साल से छोटे बच्चे हैं ना, अंडर 10 इयर्स, उनके लिए आता है। ये लकड़ी का है और इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग, इसके ऊपर जो डिजाइनिंग फिनिशिंग टोटली बड़े बैट जैसी है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। साफ सुथरी चीज है ना, ब्रांड ऐसे नहीं बनता सिकंदर, ब्रांड बनाने के लिए अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। ये वुडन है, पूरा वुड में है सिकंदर। सबसे पहले अंडर 10 इयर्स बच्चों के लिए आ जाता है, और बिल्कुल फिनिशिंग में भी कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये 10 साल से छोटे बच्चे उनके लिए टोटली लकड़ी में है, और पायदार चीज है, चलने वाली चीज है। डिजाइनिंग आप इसकी ये बैक से देखो, ये फ्रंट से देखो, नीचे से चेक करो, बिल्कुल ओके है। इसके बाद आता है फाइबर का बैट, ये आपको पड़ेगा 1000 का, 1000 रुपए का, 1000, और क्वालिटी के हिसाब से जो है 1000 बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप बच्चों के बैट देखें 500-700, उसमें हैंडल निकलने की शिकायत रहती है जी, इसमें हैंडल निकलने की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। ये क्वालिटी इसकी देखो, उसकी देखो, इसमें चौड़ाई भी नहीं है, ये देखो चौड़ाई इसकी, और उसकी चौड़ाई देखो आप, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों की वैरायटी। इसके बाद आता है बड़े बच्चों की वैरायटी, यानी कि 10 से 15 साल तक के, 10 से 15, 14, 15 साल तक के जो बच्चे आते हैं उन आते हैं। सबसे पहला मॉडल है Q4, मेटाडोर का Q4 मॉडल है। बच्चों के हिसाब से बैलेंस वेट में है और थोड़ा पतला है, मगर बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, ये तगड़ी चीज है। ये बच्चों के लिए पड़ेगा, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये उनके लिए पड़ेगा फाइनल प्राइस करके 3300 रुपए।
3,300 रुपए, ये बिल्कुल लास्ट प्राइस है, बिल्कुल बॉटम प्राइस है, ये लाके बिल्कुल समझ लो बॉटम पे लाके आपको ये प्राइस दिया, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये 3,000 पूरा नहीं होगा, 3,300 रुपए बिल्कुल आखिरी प्राइस है। अब ये देखो नॉर्मल बेड से कितना ऊपर जा रहा है, मैंने आपको शुरू में यही बताया ना, इसमें पंच बहुत ज्यादा है। ओह जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा पंच है इसमें। 3,300। अच्छा इसके बाद एक और मॉडल आ जाता है, ये इससे पतला है मगर थोड़ी सी लेंथ में फर्क है, थोड़ा सा मामूली सा। और इसका बैक देखो, इसका बैक बिल्कुल ये नॉर्मल बेड जैसा है, इसका बैक देखो नए डिजाइन में बना है, बिल्कुल नया डिजाइन है। इसके मॉडल का नाम है CT 2000, ये Q4 था ना, हाँ ये CT 2000 है, हाँ ये ऊपर का मॉडल है। ये आपको फाइनल करके पड़ेगा बिल्कुल आखिरी 3,800 का, 3,800 रुपए, 3,800 रुपए, ठीक है। वेट सिकंदर होगा ये 850 अबव है, 850 से अबव है, मगर फील नहीं होता इसमें, इसमें फील नहीं होता क्योंकि बेड प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक फाइबर जिसको कहा जाता है, और अंदर से खाली है ये। 3,800 बता, इसमें दो कलर्स हैं, ठीक है, हाँ जी, शेप का डिफरेंस है थोड़ा, अंदर पंच का भी डिफरेंस है। ये प्लास्टिक है, सबसे पहले फिनिशिंग खराब हो जाएगी इसकी, कस्टमर पसंद नहीं करेगा, हाँ तो उसके बाद जो मर्जी करो हमसे ले जाके, वो खेलने पे सबसे पहले यहाँ से इसकी फिनिशिंग खराब होगी, थोड़ा सा प्लास्टिक खराब होना शुरू हो जाएगा, खराब से मुराद वो नहीं कि बिल्कुल खराब हो जाएगा, एक हाँ जिस तरह आप टेनिस बैट से खेलना शुरू करते हो तो वो नीचे से घिसना शुरू हो जाता है, तो ये घिस जाएगा, वो घिस जाएगा, इसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है। नेक्स्ट मॉडल है इंजो, इंजो मेटाडोर का इंजो मॉडल है, और ये देखो इसका बॉटम देखो सिकंदर, ये जितने हमने देखे ना, इधर पास लाओ, जरा कैमरा पास लाओ आपको मैं दिखाऊं, इससे पहले जो हमने Q4 देखा, ना Q4 का बॉटम ऐसा है, ना CT 2000 का मॉडल ऐसा है, इंजो का बॉटम देखो। ओके, तो हम थे इंजो बेड पे, इसके अजान आ गई, हमें रुकना पड़ा अजान के लिए, देख लाजमी है। अच्छा इंजो का मैंने आपको बॉटम दिखाया, और ये भी बहुत ही तगड़ी चीज है, आप इसको, मैं आपको, मैं इसका पंच चेक करा दूं, अब बताओ कैसा मजा है, पता ही नहीं चल रहा, बहुत लग रही है, बहुत ही तगड़ी चीज बनाई है बनाने वाले ने। और पीछे का डिजाइन देखो अब तुम, बैक साइड का ये देखो, पूरी नालियों जैसा डिजाइन बना हुआ है, जो यानी कि वो बाइक पाइप आते हैं ना, वो वाला डिजाइन लगा हुआ है, और बहुत ही तगड़ा डिजाइन लग रहा है यार ये, और कलर जो कंट्रास्ट है ना वो भी बहुत अच्छा है। हाँ मुझे तो अपने हिसाब से तो बहुत पसंद आया, इंजी की नालियों के ऊपर एक इसका जो वो नाली वाले डिजाइन है, नाली वाले डिजाइन हम दिस इज वन में कहते हैं, और इसका पाइप वाला जो डिजाइन बना है जैसे पाइप शेप में, और बॉटम भी बहुत तगड़ा है, आपने पंच पीस का टेस्ट किया, और वेट इसका वही 850 से 880 ग्राम तक आएगा। हाँ क्योंकि ये जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो कहते हैं बल्ला खुद छक्के लगाए, ये वही बल्ला हमने निकाल दिया कि जो खुद छक्के लगाएगा, आपने सिर्फ बल्ला पकड़ना है। अच्छा इसके बाद इसके प्राइस रेंज पे आ जाते हैं, तो इसके प्राइस आपको पड़ेंगे 4,500 रुपए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा इसके बाद सबसे जो तगड़ी चीज है ना हल्क, और मैं कहता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, ऐसी चीज उन्होंने देखी नहीं होगी अभी तक, और फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, और इसका मैं बॉटम दिखाता हूँ आपको, बॉटम चेक करो यार, सबसे पहले तो इतना मोटा बॉटम पूरा 2 इंच से ऊपर जा रहा है, ये 2 इंच क्रॉस कर रहा है बॉटम, ऐसा बॉटम मैंने नहीं देखा भाई पहले। ओ भाई साहब नेक्स्ट मॉडल है यार, नेक्स्ट लेवल की चीज है,
टूर्नामेंट में तो खेलने आपको देंगे नहीं फाइबर से, आप वो भी ले जाओ उससे भी नहीं खेलने देंगे, खतरनाक चीज। अच्छा अब इसकी पंचिंग पे आ जाते हैं, लाओ बॉल आपको मैं इसका पंच चेक करवाऊं। यार मुझे खुद काफी टाइम से इसका पंच चेक करने की खुजली हो रही थी। मैंने आपको क्या बोला, जो कस्टमर कहते हैं ना कि खुद खेलने वाला बैट चाहिए, तो ये भी खुद खेलने वाला बैट हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा मैं चीज क्लियर कर लूँ, मैं रिकमेंड आपको कर रहा हूँ कि आप बस देख लें ये वैरायटी, बाकी लेना ना लेना वो आप लोगों को डिपेंड करता है। कमी मुझे आया था, हाँ जो हमारे व्यूअर्स की जो डिमांड होगी हम वो बिल्कुल पूरी करेंगे। उसके बाद आपके ऊपर है कि आपने क्या चीज देखनी है, क्या आपको सूट करता है, क्योंकि ये गली मोहल्ले में या पार्क लेवल पे जो दोस्ती यारी में खेले जाते हैं क्रिकेट, उसमें गली क्रिकेट में चल जाएगा, जो टूर्नामेंट लेवल पे चलता है उसमें ये नहीं चलेगा। मेन चीज होती है बल्ले की साउंड, जो हम खेल रहे होते हैं ना आपस में भी दोस्त वगैरह, तो साउंड आती है ना उसका एक अलग ही लुक होता है, तो ये साउंड वाला बैट है अगर आप गली में खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, भरम बन जाएगा पूरे दोस्तों में, ये बात हो जाएगी। इंडोर के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इंडोर में नहीं चलेगा। मैं आपको कहता रहा हूँ ये जितने भी नेक्स्ट लेवल ऊपर के लेवल के मैचेस हो रहे हैं या जो अच्छे लेवल पे खेले जा रहे हैं वहाँ पे ये बिल्कुल बैन है टोटली। भाई को परचेज करना है या शॉप विजिट करनी है तो सब हमारी सबसे रिक्वेस्ट है शॉप विजिट करें, और हमारी जो अपनी वेराइटी लॉन्च हुई है वो भी आपने लास्ट वीडियो में भी देखी, और अभी आपको दोबारा दिखा देते हैं एक दफ़ा आपको। और ये देखें कोकोनट के बैट्स में, जो कोकोनट के बैट के शहदाई हैं उनके लिए ये चीज़ निकाली हुई हमने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर ऑफर भी आएगी, बहुत ही तगड़ी ऑफर आ रही है। जिस तरह ये तगड़ा बैट है, और कोकोनट में मैंने इससे तगड़ा बैट नहीं देखा यार। और एक इस बैट पे वैरायटी हमारी, एक ये बैट है हमारे पास हमारी अपनी वैरायटी का, हनी स्पोर्ट्स के नाम से किलर मॉडल है, एक माफिया मॉडल है, और एक ये है फुल एडिशन। और इसके अलावा अगर किसी भी ब्रांड का बैट चाहिए आपको, जेडी जीए जर्मन साकी सारी वैरायटी, AK-48 भी मिल जाएगा मेरे पास, खिलाड़ी भी मिल जाएगा। खिलाड़ी जैसे मैंने आपको पहले ही बॉटम दिखाया था उसका, खिलाड़ी का बॉटम देखो, इस तरह की सारी वैरायटीज आपको मेरे पास ओरिजिनल बैट्स मिल जाएंगे। बैट डोर भी ओरिजिनल बैट है, और इसी तरह की तगड़ी चीज़ें अगर आपको तगड़ी चीज़ों के लिए आप मुझसे रब्ता करें। और बाकी इसी नीचे आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, और टिकटॉक का भी लिंक आपको मैं टिकटॉक की भी आईडी बना दी आपके। यही तुम क्या कर रहे हो, ये आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि जल्दी जाओ। हाँ इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक बना ली, टिकटॉक पे भी आ गए, हमारी लाइन में नहीं हो तो मैंने भी बना लिया। और टिकटॉक पे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट स्टार्ट हो गया है नीच स्पोर्ट्स ऑफिशियल के नाम से, और आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे नई अपडेट्स के लिए, छोटी मोटी अपडेट्स के लिए वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हर कमेंट का, हर मैसेज का फौरन रिप्लाई होगा, आप बेफिक्र रहे हैं, हाँ टेंशन नहीं, इसमें भी नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं, बिल्कुल भाई फास्ट सर्विस हो गई है अभी। अच्छा तो ये थी आज की हमारी वीडियो, फाइबर के जो सारी वैरायटी उन्होंने बताई हमें, और इसकी प्राइसेस भी आपने जानी, आपने खरीदना है नहीं खरीदना इट्स ऑल अप टू यू। मैं इस पर फिलहाल उन्हीं बनता जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा बैट के साथ मैं खेलता जा रहा हूँ, तो ऐसे इन बैट से मैंने बचपन में खेला था, तो मैं आपको डायरेक्टली सजेशन नहीं दे सकता कि ये बैठ सकते हैं या नहीं, क्योंकि बचपन की ऐसी बातें हर कोई खेल लेता है। आजकल मैंने इनसे नहीं खेला हुआ, तो अगर आप खरीदोगे तो ये सॉल्व अप टू यू, अगर आप इससे खेल चुके हो तो आप खरीदें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपने भाई से कम को इजाज़त दें, और अपने एक भी लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।